नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिश्नौर के नगीना की, जहां नगीना देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक अनियंत्रित कार घर से टकरा गई, जिसमें घर के बाहर खड़े दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई तो एक व्यक्ति का उपचार जारी है। आपको बता दें कि रायपुर कोटद्वार रोड पर ग्राम लारवाला निवासी मनीराम के घर से एक ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। कार के मकान से टकराने पर दरवाजे पर खड़े दो बच्चे मानवी पुत्री मनीराम और संस्कार पुत्र मनीराम की मौके पर मौत हो गई। वहीं बच्चों के पिता मनीराम और राजा पुत्र चेतराम गंभीर घायल हो गए। इस मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया, जिसके बाद राजा पुत्र चेतराम की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले के बाद तीन बच्चों की मौत होने पर बड़ापुर विधायक सुशांत सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, साथ ही घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।